जादुई जंगल। एक समय की बात है, देवगढ़ नाम का एक नगर हुआ करता था। देवगढ़ में राजा भीम बड़ी ही कुशलता पूर्वक राज किया करते थे। राजा भीम की दो पुत्रियां थी, श्वेता और कालिंदी। श्वेता का रंग उसी के नाम की तरह एकदम श्वेत और साफ था, वहीं दूसरी और कालिंदी का रंग काफी सांवला था। परंतु राजा भीम कभी अपनी पुत्रियों में भेदभाव नहीं करते थे, वे दोनों को समान ही प्यार करते थे। कालिंदी स्वभाव से बहुत ही नर्म दिल की थी, उसे प्रकृति और पशु पक्षियों से बहुत ही प्यार था, वो अपना ज्यादातर समय इसी में बिताया करते थी। वही दूसरी और श्वेता को हमेशा ही सजने सवरने का शौक था, उसे बाहर की दुनिया से कुछ फर्क नहीं पड़ता था, उसे बस खुद की खूबसूरती निहारने में ही आनंद आता था। एक दिन राजा भीम दूसरे राज्य से वापस लौटकर आए होते हैं। वो अपने साथ दो बहुत ही सुंदर लहंगे लाए होते हैं। दोनों ही लहंगे दिखने में बहुत ही शाही और सुंदर थे। राजा भीम दोनों लहंगों को लेकर अपने पुत्रियों के कक्ष में जाते हैं, जहाँ एक और श्रद्धा आईने के सामने बैठकर अपने बालों को सवार रही होती है, तो दूसरी ओर वही कालिंदी राजमहल की खिड़की पर बैठी चिड़ियों को दाना दे रही होती है। तभी राजा भीम दोनों को आवाज लगाते हैं। कालिंदी, श्वेता, दोनों इधर आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। आप आ गए पिताश्री, आप तो कल आने वाले थे। अगर मुझे पता होता तो मैं आपके आने से पहले आपका स्वागत करती। मेरा काम जल्दी ही हो गया था तो सोचा जल्दी आ जाऊं। तुम दोनों से ज्यादा दूर रह भी तो नहीं सकता ना मैं। और हम भी। आप ये बताइए, आपका सफर कैसा रहा? आप थक गए होंगे ना, पहले आप बैठ जाइए। मेरा सफर तो बहुत ही अच्छा था और तुम दोनों को देखकर तो मेरी सारी थकान दूर हो गई। पिताश्री, आपके हाथ में क्या है वो? अरे बातों बातों में तो मैं भूल ही गया, मैं तुम दोनों के लिए उस राज्य से दो सुंदर सुंदर लहंगे लेकर आया हूँ। अरे वाह, ये गुलाबी रंग का लहंगा कितना सुंदर है। पिताश्री, क्या मैं इसे रख सकती हूँ? हाँ हाँ रख लो, तुम्हारे लिए ही तो लेकर आया हूँ। नहीं, ये गुलाबी लहंगा मैं रखूंगी, वैसे भी ये मुझ पर ही अच्छा लगेगा। तुम रखोगे भूरे रंग का लहंगा, रखो, बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही है। श्वेता, ये बहुत गलत बात है, किसी के रंग को लेकर उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते। चलो माफी मांगो अपनी बहन से। रहने दीजिए पिताश्री, अगर उसे लहंगा पसंद है तो उसे रखने दीजिए, मेरे लिए आप कभी बाद में ले आना। ठीक है पुत्री, अगली बार जब जाऊंगा तो तुम्हारे लिए बिल्कुल ऐसा ही लहंगा लेकर आऊंगा। ये कहकर राजा भीम वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही जब भी मौका मिलता तो श्वेता कालिंदी को उसके रंग पर ताना देती। उसे अपनी बहन बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसे लगता था कि उसके पिताश्री सहानुभूति के कारण उसके बहन से ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए वो हमेशा अपनी बहन से जला करती थी। एक दिन राजकुमारी श्वेता अपनी बहन को जलाने के लिए उसके पिताश्री का लाया हुआ वो गुलाबी लहंगा पहनती है और उसके बाद कालिंदी के आस पास घूमने लगती है। कालिंदी जानती थी कि श्वेता ऐसा क्यों कर रही है, इसलिए वो वहाँ से उठकर बाहर बगीचे में चली जाती है और बगीचे में बैठकर चारों तरफ की हरियाली निहारने लगती है। लेकिन श्वेता वहाँ भी आ जाती है। फिर एक अचानक से ही जैसे श्वेता कालिंदी की तरफ बढ़ती है, उसका पैर एक गड्ढे में चले जाता है, जिस कारण वो कीचड़ में जा गिरती है। उसका सारा लहंगा कीचड़ से भर जाता है और उसके चेहरे पर भी कीचड़ ही कीचड़ लग जाता है। कालिंदी जैसे ही श्वेता को ऐसे कीचड़ में गिरा हुआ देखती है, वो भागकर उसकी ओर जाती है और उसे अपने कक्ष में लेकर जाती है। जब कालिंदी श्वेता को अपने कक्ष में ले जा रही होती है तो उसके पिताश्री भी श्वेता को उस हालत में देख लेते हैं, वो भी उनके पीछे भागकर कक्ष में आते हैं। श्वेता को इस तरह से कीचड़ में सना हुआ देखकर राजा भीम कहते हैं, अरे बेटा ये क्या हुआ, तुमने ये क्या हालत बना रखी है। इससे पहले कालिंदी कुछ बोलती, श्वेता रोते हुए राजा भीम से कहती है, पिताश्री ये सब कालिंदी ने किया है। श्वेता ये तुम क्या कह रही हो? मैं सही कह रही हूँ, ये देखो मैंने वही लहंगा पहना है जो कालिंदी को पसंद आया था। वो नहीं चाहती थी कि मैं ये लहंगा पहनूं, इसलिए जब आज मैंने ये लहंगा पहना तो कालिंदी ने मुझे किसी बहाने से बगीचे में बुलाया और फिर मुझे कीचड़ में धक्का दे दिया। ये कहकर श्वेता मगरमच्छ के आंसू बहाने लगती है। श्वेता की बात सुनकर राजा भीम कहते हैं, कालिंदी मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, मैंने तुम्हें कहा था मैं वो लहंगा तुम्हें कुछ दिनों में दिला दूंगा, लेकिन फिर भी तुमने ऐसा किया। सच कह रही हूँ, अगर मुझे लहंगा चाहिए ही होता तो मैं पहले ही श्वेता से ले लेती। बस कालिंदी, मुझे इस बात पर और बहस नहीं चाहिए।
ये कहकर वे राजा वहाँ से चले जाते हैं। कालिंदी ने श्वेता के मुँह से कई बार जली कटी बातें सुनाई थी, लेकिन अपने पिताश्री के मुँह से ये सब सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है, और वो भी तब जब उसकी कोई गलती भी नहीं थी। वो रोते हुए महल से भागकर एक जंगल में चली जाती है। वो एक जंगल के रास्ते पर ही होती है कि उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। वो बूढ़ा आदमी कालिंदी से कहता है, बेटा तुम इस रास्ते से आगे जाओ। पर आप कौन हैं? मैं इस जंगल में आने वाले हर किसी की मदद करता हूँ। इसके बाद कालिंदी उस बूढ़े आदमी की बात मानकर उस रास्ते पर चली जाती है। वो उस रास्ते पर चल ही रही होती है कि उसे एक हिरण दिखाई देता है जिसके पैर में चोट लगी होती है। वो हिरण कहता है, कृपया करके मेरी मदद कीजिए, मेरे पैर में बहुत चोट लगी है, मुझे दर्द हो रहा है। तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं कोई मामूली हिरण नहीं हूँ, मुझ में बोलने की क्षमता है, कृपया करके मेरी मदद करो, मेरे पैर में बहुत चोट लगी है। कालिंदी जब हिरण को इतने दर्द में देखती है तो वह जंगल में जाकर एक जड़ी बूटी लाकर हिरण के पैर पर लगा देती है, जिससे हिरण को राहत मिलती है। जिसके बाद हिरण कालिंदी से कहता है, अब तुम आगे जाओ। हिरण की बात मानकर कालिंदी उसी रास्ते से आगे जाने लगती है। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक हंस जाल में फंसा हुआ दिखाई देता है। कोई मुझे जाल से बाहर निकालो, मैं यहाँ फंस गया हूँ। रुको, तुम फड़फड़ाना बंद करो, तभी मैं तुम्हें निकाल पाऊंगी। इसके बाद कालिंदी धीरे धीरे करके उस हंस को उस जाल से बाहर निकाल देती है, जिसके बाद वो हंस कालिंदी से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, अब तुम आगे जाओ। इसके बाद कालिंदी आगे बढ़ने लगती है। आगे बढ़ते बढ़ते उसे एक बड़ा सा पेड़ दिखाई देता है। वो पेड़ बहुत ही सूख चुका था। कालिंदी जैसे ही उस पेड़ को देखती है उसे बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो पास वाली नदी से जाकर एक मटके में पानी लाती है और उस पेड़ में डाल देती है। वो जैसे ही उस पेड़ में पानी डालती है वो एकदम ही हरा भरा हो जाता है और एकदम से उस पेड़ से आवाज आती है, कालिंदी तुम्हारा दिल सच में बहुत साफ है, तुम हर किसी की बिना किसी लालच के मदद करती हो, इसलिए अब मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम भी बोल सकते हो? हाँ, हम सब बोल सकते हैं, ये जंगल जादुई है। अब तुम एक काम करो, इस नदी में जाकर डुबकी लगाओ। पर वो क्यों? बस एक बार मेरे कहने पर वहाँ जाओ। फिर कालिंदी उस पेड़ के कहने पर उस नदी में जाकर डुबकी लगाती है। वो जैसे ही उस नदी में डुबकी लगाती है तो वो अत्यंत सुंदर बन जाती है। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज होता है। अब वो अपनी बहन श्वेता से भी ज्यादा सुंदर और शाही लग रही थी। अब वो वापस उस पेड़ के पास जाकर उसका धन्यवाद करती है और घर आ जाती है। जब श्वेता कालिंदी का इतना सुंदर और बदला हुआ रूप देखती है तो वो उससे पूछती है कि ये सब कैसे हुआ। कालिंदी बहुत भोली थी, इसलिए वो श्वेता को सब बता देती है। इसके बाद श्वेता भी उसी जंगल में जाती है। उसे भी वहाँ बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। वो बूढ़ा उसे भी उसी रास्ते पर भेजता है। श्वेता को भी वो हिरण दिखाई देता है। हिरण श्वेता से कहता है, कृपया करके मेरी मदद करो, मेरे पैरों में बहुत चोट लगी है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मेरे पास इतना समय नहीं है, मुझे जल्दी से बहुत सुंदर बनना है। ये कहकर श्वेता वहाँ से आगे बढ़ जाती है। फिर श्वेता को कालिंदी के जैसे ही एक जाल में फंसा हुआ हंस दिखाई देता है। हंस श्वेता से कहता है, कृपया करके मेरी मदद कीजिए, मुझे इस जाल से बाहर निकालिए। श्वेता उसे अनदेखा करके आगे बढ़ जाती है। फिर श्वेता को वो पेड़ दिखाई देता है। वो उस पेड़ को भी अनदेखा कर देती है और जाकर नदी में डुबकी लगाती है। वो जैसे ही उस नदी में डुबकी लगाती है वो हद से ज्यादा बदसूरत हो जाती है। उसका रंग बहुत ही काला हो जाता है और उसके चेहरे पर कई तरह के दाग भी आ जाते हैं। वो जैसे ही नदी से बाहर आती है अपने पास रखे एक आईने में अपना चेहरा देखती है और अपना चेहरा देखकर चिल्लाती है, हे भगवान, ये मेरे सुंदर चेहरे को क्या हो गया, ये तो और सुंदर होने के बजाय इतना बदसूरत हो गया। तभी उस पेड़ में से आवाज आती है, तुमने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी की भलाई नहीं की, कभी किसी की मदद नहीं की, सिर्फ अपना ही भला देखा है, इसलिए आज तुम्हारे साथ ये सब हुआ। तुम्हारी बहन हमेशा दूसरों की मदद करती है,
उनके भले के बारे में सोचती है, इसलिए वो आज इतनी सुंदर बन गई है। इस नदी ने उसके मन की सुंदरता को उभार दिया। उसी तरह इस नदी ने तुम्हारे मन की काली माँ को तुम्हारे चेहरे पर उभार दिया। अब श्वेता को उस पेड़ की बातें अच्छे से समझ में आ जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि इंसान का व्यवहार उसके रंग से ज्यादा महत्व रखता है। वो घर जाकर अपने बहन से माफ़ी मांगती है। जैसे ही वो कालिंदी से माफ़ी मांगती है, उसका चेहरा वापस से पहले जैसा हो जाता है। अब उसे ये बात समझ में आ जाती है कि हमें हमेशा दूसरों के प्रति अच्छा स्वभाव रखना चाहिए और हमेशा ही दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।